मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, मंच पर उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के सम्मानित अध्यक्ष अमर परवानी जी, आदरणीय नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बजाज साहब, किरण कौशल जी, इस विभाग के सचिव महादेव कावरे जी, राकेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, आज कॉमर्शियल हब होलसेल कॉरिडोर का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि अमर परवानी जी ने यहां जानकारी दी कि आने वाले समय में ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट बनेगा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि अभी नवा रायपुर में यदि कोई आता है तो खाली एक चीज देखने आता है, नवा रायपुर में जंगल सफारी देखने आते हैं लोग। लेकिन जिस प्रकार की कल्पना यहां की गई है, आने वाले समय में आपका ये होलसेल कॉरिडोर देखने के लिए लोग आएंगे। बजाज जी ने जो जानकारी दी 1083 एकड़, मांग और भी ज्यादा है, 6000 लोग अभी तक आवेदन दे चुके हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार से पहले दिन से छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यशैली रही है, आम लोगों के जेब में पैसा डाला, सबसे पहले कर्जा माफी किया गया, और उसके बाद जब से अब तक धान के नाम पर 2.25 लाख करोड़ आम जनता को दिया गया है, और जब किसानों को, आम जनता को सरकार के तरफ से किसी भी रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से वो व्यापार में जाता है, व्यापार बढ़ता है, और ये लगातार क्रम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चल रहा है। ये जो होलसेल कॉरिडोर बनेगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, और छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है रोजगार के संबंध में। बेरोजगारी भत्ता भी राज्य सरकार ने दिया, और रोजगार को लेकर जैसे मैं वन विभाग का भी मंत्री हूं, लगातार जो समर्थन मूल्य में जो खरीदी होती है वन उपज की, उसका जो प्रोसेसिंग होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में 139 तो वन धन केंद्र हैं करीब करीब, और 13 लाख हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, तो लगातार रोजगार लोगों को उपलब्ध हो सके, ये छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता प्रारंभ से अब तक रही है। जहां तक व्यापार को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनेक फैसले लिए हैं, न केवल रायपुर में, क्योंकि ये रायपुर का होलसेल कॉरिडोर है, इस प्रकार से राज्य के सभी जिलों में होलसेल कॉरिडोर बनाने के बारे में भी घोषणा की गई है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से अलग अलग जिलों में भी इस कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अब प्रमुख बात यह है कि भूखंड कितने में मिलना चाहिए। माननीय अमर परवानी जी ने मांग की है कि 540 के हिसाब से वो सबको बताकर लाए हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जितनी उदारता से अब तक सारी योजनाओं के लिए आपने सब कुछ दिया है, तो इनकी मांग है 540 में विकसित भूखंड देना है, तो कृपया करके आप घोषणा कर दीजिए ताकि उनको दे दिया जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। आपके उद्बोधन के लिए बहुत